तो भाई ये है KTM की ड्यूक 250 का न्यू ब्लू कलर जो भी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है, और किसी भी एंगल से देखने में बाइक 390 से कम नहीं लग रही है, बल्कि आप इस बाइक को लेके जब रोड पे निकलोगे ना तो ऐसा ही लगेगा कि ये KTM ड्यूक 390 है। और हर एंगल से बाइक मैंने देख ली है, बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन लग रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 250 की न्यू कलर के बारे में। सो ये इस बाइक का ब्लू कलर है, जिसके अंदर आपको मैट ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, ऑरेंज कलर के लॉबिक्स मिल जाएंगे। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। हेडलाइट का डिज़ाइन वही सेम है बाइक का, लेकिन जो फ्रंट में ये जो पैनल दिए गए हैं हेडलाइट के, इनके ऊपर मैट ब्लू कलर देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर के WP 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स बाइक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो इसका फ्रंट फेंडर है, फ्रंट फेंडर भी आपको मैट ब्लू कलर देखने को मिलेगा, और मैट ब्लू कलर यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो ऑरेंज कलर के लोवल्स हैं उसके साथ में ये कलर काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है। 320mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, जो लाइट वेट डिस्क ब्रेक है। ABS की रिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। बाइब्री का ब्रेक कैलिपर बाइक के अंदर दिया गया है, और MRF के स्टील ब्रेस टायर हैं बाइक में। 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर दिया गया है। और साइड पैनल्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूक की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो ऑरेंज कलर की है, और 250 बिल्कुल छुपा के लिखा हुआ है ब्लैक कलर में। और ये वाली जो फेयरिंग है पूरी पीछे से लेके आगे तक ये ब्लैक कलर की है, लेकिन अंदर इसके अंदर ब्लू कलर दिया गया है, और जो 250 है वो ब्लैक कलर में लिखा गया है। तो 250 तो बिल्कुल किसी एंगल से दिखेगा ही नहीं बाइक पे, तो कोई भी अगर देखेगा तो बाइक 390 ही लगेगी। एक और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगा, जो 390 है उसके अंदर जो फ्यूल टैंक का ये वाला पार्ट है वो ग्रे कलर में दिया गया है, लेकिन इसके अंदर आपको मैट ब्लू कलर में देखने को मिल जाएगा। और मैट ब्लू कलर में यार ये 390 से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे KTM व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों तरफ KTM की बैजिंग है व्हाइट कलर में, और ब्लू कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आपको इसमें LCD डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, RPM इंडिकेटर, टाइम, साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे वार्निंग आ रही साइड स्टैंड की। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं, जिनकी यार बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। हैजार्ड लाइट स्विच भी इसके अंदर, जिसके साथ चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो आगे की तरफ आपको हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पे LED इंडिकेटर्स का स्विच है, यहाँ पे हॉर्न बटन है, और राइट साइड में इंजन किल स्विच है और सेल्फ स्टार्ट बटन दिया गया है। रियर व्यू मिरर्स की भी यार बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, एरोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे तो ये नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की बाइक है, लेकिन एरोडायनेमिक्स और एजिस वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा है बाइक का। स्प्लिट टाइप की सीट है बाइक के अंदर, और सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है। ऑफसेट टाइप का एडजस्टेबल 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन बाइक के अंदर दिया गया है, जिसकी वजह से बाइक की सीट हाइट भी कम है, और 800mm की अब इसकी सीट हाइट है। तो आपकी हाइट अगर कम भी है तो भी आप कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर सकते हो। और जो पिलियन की सीट हाइट है वो थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन पिलियन सीट बहुत कंफर्टेबल है, पिलियन आपके साथ कंफर्टेबली बैठ के राइड कर सकता है, लॉन्ग हाईवे राइड भी कर सकता है, सिटी में तो राइड आराम से कर सकता है। स्प्लिट टाइप के ग्रैबरल्स हैं इनके अंदर, ब्लैक कलर के हैं। और ये वाला जो कलर है ना यार, ये KTM ने इस बाइक के अंदर ब्लैक कलर में रखा है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ये भी ब्लैक कलर में रखा है, लेकिन 390 में ये आपको थोड़ा सा ग्रे कलर में देखने को मिलेगा। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और पीछे जो LED टेल लाइट है, इसका डिज़ाइन आपको बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल जाएगा, और जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो लुक कुछ ऐसे आएंगे इसके। तो पीछे भी आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। जो रियर फेंडर है वो भी काफ़ी शॉर्ट रखा है कंपनी ने, रियर टायर हगर हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन दे दिया है बहुत बड़ा, उसके बाद रियर टायर हगर की ज़रूरत नहीं है। पीछे इसके अंदर आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, 240mm की डिस्क ब्रेक है, बाइब्री का ब्रेक कैलिपर सेटअप है, स्टील ब्रेस के टायर दिए गए हैं, बनाना शेप की इसके अंदर एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आपको मिल जाएगी, और अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम बाइक के अंदर दिया गया है, तो फिनिशिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट भी बाइक का सुना देता हूँ। आइडल पे तो इसका साउंड ऐसा है, अब थोड़ा सा रैव करते हैं। बहुत ही अच्छा साउंड है यार, बहुत ही स्मूथ सा साउंड है, और ग्रंट है एग्जॉस्ट के अंदर बहुत ही बढ़िया। 249cc का SOHC लिक्विड कूल्ड LC 4C इंजन बाइक के अंदर है, जिसकी पावर 31 PS है, 25 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये जनरेट करती है। सो पहले इसके अंदर DOHC इंजन आता था, लेकिन अभी SOHC इंजन है, और इंजन अब बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है यार, वाइब्रेशंस बहुत ही कम हो गई हैं, और पहले से भी ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है। ड्यूक 390 से इसके अंदर वाइब्रेशंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ड्यूक 390 का कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, और इसका कंप्रेशन रेशो उतना ज़्यादा हाई नहीं है, इसी वजह से इसके अंदर रिफाइनमेंट ज़्यादा अच्छी है, वाइब्रेशन थोड़ी कम है। और माइलेज इसके अंदर आपको 30-35 km/L के आसपास की मिल जाएगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक की 15 L की है, एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराओगे तो उसके बाद बाइक को आप 450 km के आसपास लेके जा सकते हो, 450 km के आसपास। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 176mm का, 176mm का सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, बाइक कहीं भी टच नहीं होगी। वेट इसका 163 kg है, सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, पावर टू वेट रेशियो भी बाइक का अच्छा है। और बाइक की सीट हाइट भी आपको बता देता हूँ, तो बाइक की सीट हाइट अब काफ़ी कम हो चुकी है यार,
800 mm की इसकी सीट हाइट है। तो अब आपकी हाइट कम भी है ना, तो आप कंफर्टेबली बाइक को चला सकते हो यार, अब कोई भी इशू नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा काम किया है KTM ने 390 के साथ भी और 250 के साथ भी। ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन की वजह से बाइक की सीट हाइट काफ़ी सही है अब। और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी यार बाइक के अंदर बहुत ही बढ़िया है। आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा, असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिल जाएगी, उसके साथ में क्विक शिफ्टर भी मिल जाएगा। बाइक की चेसी भी आपको ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी, जो छोटा सा लेग गार्ड है ये भी ब्लैक कलर का है। और ऑल ओवर यार इसकी कलर कॉम्बिनेशन मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, ट्रिपल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन है, और इसकी वजह से बाइक के ऑल ओवर लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। राइड बाय वायर और क्विक शिफ्टर इस बाइक के बेस्ट फीचर्स हैं यार, जो इस बाइक को अपनी सेगमेंट में बहुत यूनिक बनाते हैं। और प्राइस भी इसका बहुत सही है, 239,000 239,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है, और 275,000 275,000 रुपये के आसपास इसका आपको ऑन रोड प्राइस दिल्ली के अंदर मिल जाएगा। सो यार मुझे पर्सनली इस बाइक की ट्रिपल टोन कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। आपको इस बाइक का ब्लू कलर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस बाइक के अंदर जो पहले कलर आते थे, एक तो ऑरेंज और एक वाइट, उन दोनों के मुकाबले ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। और 390 के अंदर भी जो ब्लू कलर आता है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा कलर ये लग रहा है। तो ये थी सारी डिटेल्स KTM Duke 250 ब्लू कलर के बारे में। आपको बाइक कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।